उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज लोकतंत्र के सजग प्रहरी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती है। जब जब लोकतंत्र को कुचलने का कार्य हुआ है और ऐसा प्रयास हुआ है तो जेपी ने सशक्त आंदोलन चलाया है और केंद्र की सत्ता से कांग्रेस को बाहर होना पड़ा। देश के हरेक नागरिक को केंद्र की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज बीजेपी सरकार में जाति नहीं देखी जाती बल्कि सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, सबको विकास की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और यही बीजेपी सरकार की मिन्नत है। डॉक्टर राम मनोहर स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं बननी चाहिए, भले ही उस समय की सरकार के लिए कुछ कार्य किया हो और योजना बनाने में विफल रही हो, लेकिन सरकार से बाहर रह करके जिन महापुरुषों ने इन पर स्पष्ट चिंतन को आगे बढ़ाया था, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर राम मनोहर गोहिया जी जैसे महापुरुष उस समय भी इस क्रांति के लोगों को स्वतंत्र भारत के अंदर अपने चिंतन के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे थे। और इसी यही कारण था इस देश के अंदर जब आजादी के उन सभी योद्धाओं ने स्वतंत्र भारत में भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए एक स्वस्थ संसदीय प्रणाली को अपनाया था।